प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का लेसन 6 द फाइट लेसन की मीनिंग क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। ए गुड डील, GWD गुड डील, DEL ए गुड डील, अच्छा खासा सौदा। इनिमी, ENEMY इनिमी, इनिमी शत्रु। एडवर्सरी, ADVERSARY एडवर्सरी, विरोधी, सेम मीनिंग है ओपोनेंट। एस्टोनिश्ड, ASTONISHED एस्टोनिश्ड, हैरान या चकित। कॉन्सियल, CONCEL कॉन्सियल, कॉन्सियल होता है छिपाना। कंसेंटेड, CONCEDED कंसेंडिड, मान लेना। फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड, FRENZED फ्रिंज्ड, हिंसक। फोर्स्टी, FORCITY फोर्स्टी, फोर्स्टी, क्रोध, सेम मीनिंग है एंगर। इम्पेस, IMPASSE इम्पेस, इम्पेस होता है गतिरोध। इंटरमिनेबली, INTERMINABLY इंटरमिनेबली, असीमित। लिफ्ट, LEAPT लिफ्ट, लिफ्ट, छलांग लगाई। लिम्पिड, LIMPID लिम्पिड, स्वच्छ। आउटविट, OUTWIT आउटविट, नीचा दिखाना। पलंग, PLUNGE पलंग, पलंग मनी, डुबकी लगाना। पर्च, PARCHED पर्च्ड, झुलसी हुई। सुपल, SUPPLE सुपल, लचीले। स्टगर्ड, STAGGERED स्केडर्ड, कमजोरी महसूस की। स्पूटरिंग, SPUTTERING स्पूटरिंग, जल्दी जल्दी बोलते हुए। ट्रिकल, TRICKLE ट्रिकल, ट्रिकल मानी पानी की पतली सी धारा। विग्योर, VIGOUR विग्योर, शक्ति। वैल्यूड, रोल्ड आउट, लुढ़कती रहती थी। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पुल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच राजू न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे माने किस प्रकार से जंगल का पुल राजू जो राजपुताना रेगिस्तान में जंग पुल को जानता था उससे अलग किस प्रकार था। आंसर, द वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पुल इज कोल्ड, जंगल के पुल का पानी कोल्ड, ठंडा, क्लीन, साफ एंड इनवाइटिंग, आकर्षित करने वाला था। INVITING इनवाइटिंग। बट द वाटर ऑफ द पुल इन राजपुताना, परंतु राजपुताना के पुल का पानी इज स्टिकिंग, चिपचिपा एंड मड्डी, कीचड़ वाला था। वेहर बुफेलोज वेलोव्ड एंड वोमेन वाश क्लोथ्स, जहाँ भैंसें घुसती थी और औरतें कपड़े धोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर बॉय आस्क्ड रणजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, दूसरे लड़के ने रणजी को व्याख्या करने को कहा। व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रणजी टू से, वह रणजी से क्या कहने की उम्मीद रखता था। ही एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद रखना, आशा। रणजी टू से, रणजी उसको कहेगा सॉरी, क्षमा, खेद कहेगा। एंड आस्क फॉर हिज पर्डन, और माफ़ी के लिए कहेगा। सेकंड क्वेश्चन, वाज ही इन यू ओपिनियन राइट, क्या आपके विचार में ये सही था और रॉन्ग या गलत था टू आस्क दिस क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न पूछना। आंसर, ही वाज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, उसका ऐसा पूछना गलत था। बिकॉज, क्योंकि। द पुल वाज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, पुल होता है, तालाब होता है, वो प्रकृति की देन है। इट वाज नॉट हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यह उसकी निजी संपत्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन रणजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग ए शॉर्ट करवल, रणजी और दूसरा लड़का थोड़ी समय के लिए लड़ाई चाहते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर में कारण दीजिए। इट इज द आइदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट ए करवल,
यहाँ एक अन्य लड़का है जो लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है। ही वॉज फर्स्ट टू अडेप्ट ए वायलेंट एटीट्यूड, वह पहले एक हिंसक प्रवृत्ति अपनाता है। एंड शोड रणजी द पाम ऑफ हिज, और शोड दिखाता है रणजी को पाम ऑफ हिज फिस्ट, अपने हाथों की मुट्ठी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब हम लड़ाई जारी रखेंगे। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। व्हाट मेड हिम से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। आंसर, देयर वॉज नो रिजल्ट ऑफ द फाइट, फाइट मीन लड़ाई, वहाँ लड़ाई का कोई रिजल्ट परिणाम नहीं निकला। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। एंड नाइदर ऑफ द टू वॉज रेडी टू गिव इन हिज मेड द अदर बॉय से द गिवन वर्ड, और न ही वो लड़ाई तैयार रखना चाहते थे, इसलिए दूसरे लड़के ने ये शब्द कहे। डिड द फर्स्ट कंटिन्यू फाइट कंटिन्यू, क्या लड़ाई लगातार जारी रही। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। नो no, नहीं। द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, फाइट लगातार जारी नहीं रही। बिकॉज, क्योंकि। दे बिकेम फ्रेंड्स, वे मित्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रणजी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, घर पर व्याख्या क्यों नहीं कर सका। इट इज़ द कट एंड ब्रूसिस ऑन हिज फेस लेग्स एंड आर्म दैट रणजी फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, यहाँ रणजी के बाजुओं पर, टांगों पर और चेहरे पर कट और रगड़ के निशान थे जिनको वह घर पर नहीं बता सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, एडवर्सरी मानी विरोधी, रणजी अपने विरोधी को बाजार में देखता है। व्हाट डज ही विश टू डू, उसको उसकी क्या करने की इच्छा होती है। फर्स्ट, पहले, ही विशेज टू टर्न अवे, पहली उसकी इच्छा है कि अपना मुंह घुमा ले, दूसरी तरफ अपना मुंह फेर ले। एंड लुक एल्स वेहर, और कहीं दूसरी ओर देखे। सेकेंडली, ही विशेज टू थ्रो द लेमन बॉटल एट हिज इनिमी, और दूसरी इच्छा वह अपने दुश्मन पर सोडा वाटर, लेमन की जो बोतल है वो उसके ऊपर फेंकना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ही एक्चुअली ही स्टैंड अप एंड लुक्स एंग्रीली, नहीं सॉरी, प्रश्न है, व्हाट डज ही एक्चुअली डू, वह वास्तव में क्या करता है और क्यों करता है। एक्चुअली ही स्टैंड अप, एक्चुअली वास्तव में वह खड़ा हो जाता है। एंड लुक्स एंग्रीली एट ही हिम एडवर्सरी, और अपने विरोधी को गुस्से से देखता है। बिकॉज, क्योंकि। ही इज नॉट रेडी टू फाइट फॉर, क्योंकि वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू इज नॉट ऑल ईगर फॉर ए सेकेंड फाइट, रणजी दूसरी बार लड़ाई लड़ने का उत्सुक नहीं है। वाई, क्यों। डज ही गो बीच टू द पुल, फिर वह पुल पर क्यों जाता है। रणजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए सेकेंड फाइट, रणजी दूसरी लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं है। स्टिल, फिर भी। ही गोज बैक टू द पुल, क्यों, फिर भी वह पुल पर जाता है। ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, वह चुनौती को इनकार नहीं कर सका। नॉट ही टर्न अप एट द पुल वुड बी एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और वह हारने के इरादे से पुल पर, डर के मारे पुल पर अपने आप को नहीं रोक सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बेटर स्विमर, सबसे अच्छा तैराक कौन था। हाउ डू यू नो इट, तुम कैसे जानते हो। रणजी वाज द बेटर स्विमर, बेटर मनी अच्छा, स्विमर मनी तैराक, रणजी अच्छा तैराक था। ही कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, वह पुल के तालाब की लंबाई जितना तैर सकता था। ए डजन टाइम विदाउट टायरिंग, बिना थके दर्जनों बार उस पुल को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइज द वॉरियर, योद्धा के लिए क्या हैरानी थी। रणजी डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, रणजी ने पानी में सीधा गोता लगाया। कटिंग थ्रो इट लाइक ए नाइफ, इसको चाकू की तरह काटते हुए। ही ऑपरेस्ड द अदर साइड ऑफ द पुल, वह पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। दिस सरप्राइज द वॉरियर, यह योद्धा के लिए एक हैरानी थी, विचित्र बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ
दैट दे आर एट द पुल, वाई डू नॉट दे कंटिन्यू द फाइट। अब वे पुल पर थे, उन्होंने लगातार अपनी लड़ाई जारी क्यों नहीं रखी। नाउ दे हाउ बिकेम्स फ्रेंड, अब वे दोनों मित्र बन गए। रणजी ऑफर्स टू टीच सूरज द स्किल ऑफ स्विमिंग, रणजी ने सूरज को तैरने की कला सिखाने को ऑफर दिया। सो इसलिए दे डू नॉट कंटिन्यू द फाइट, इसलिए वे लगातार लड़ाई जारी नहीं रखी। वाट अकॉर्डिंग डू यू मेक्स इज द एडवर्सरीज टर्न इंटू गुड फ्रेंड्स इन ए मैटर ऑफ मिनट, एक्सप्लेन एज यू हैव अंडरस्टैंड इट, इसकी व्याख्या करो, इसे आप क्या समझते हैं। विरोधी किस प्रकार मित्रता में बदल गया। आंसर है बच्चों, बोथ द एडवर्सरीज न्यू दैट, दोनों विरोधी जानते थे दैट नाइदर ऑफ देन कुड विन द फाइट, न तो वह लड़ाई जीत सकते हैं। देन दे रिकॉग्नाइज ईच अदर टैलेंट, तब उन्होंने एक दूसरे के टैलेंट को पहचाना। दे डिसाइडेड टू बी फ्रेंड, और उन्होंने मित्र बनने का फैसला किया। तो बच्चों हमारा ये लेसन पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसरों को बार बार पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।